हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। मेरा नाम है विनय कुमार राजपूत और आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th का वेक्टर चैप्टर का अगला टॉपिक जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, वेक्टर्स के टाइप कौन से होते हैं। उसमें आया था रिजल्टेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, ऐसे बहुत सारे टाइप्स हमने पढ़े थे। ठीक है, आज हम उससे आगे जाने वाले हैं जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। उसमें हम पढ़ेंगे कि वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो वीडियो शुरू करते हैं वेक्टर एडिशन के साथ। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि वेक्टर ऐड कैसे किए जाते हैं और ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें लॉज या रूल्स कौन से फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो वेक्टर्स होते हैं हमें अभी ऐड करने हैं। स्केलर तो हम आराम से ऐड कर लेते हैं। स्केलर क्या होता है, दो नंबर्स होंगे उसको ऐड कर देंगे, उसको बोलते हैं स्केलर एडिशन या अलजेब्रिक एडिशन उसको बोलते हैं। दो नंबर्स रहेंगे सिंपल, उसको हम ऐड कर देते हैं। लेकिन यह है वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन में क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हमें सोचना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है वेक्टर एडिशन में कुछ एक रूल है, सबसे बड़ा रूल है, वो रूल आप ध्यान में रखो। क्या है कि जो दो या दो से ज्यादा वेक्टर आप ऐड करने वाले हो ना, वो सब वेक्टर का टाइप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम टाइप होना चाहिए मतलब वेक्टर जो है, मान लो कोई क्वांटिटी है वेलोसिटी और एक क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो उन दो वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, उनको हम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वेलोसिटी एक अलग टाइप का वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट एक अलग वेक्टर है। वेलोसिटी वेक्टर में सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी वेक्टर ही ऐड हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही ऐड हो सकता है। आम प्लस आम आम होगा, आम में आप अमरूद ऐड नहीं कर सकते हो। अगर हम वेक्टर के बारे में बात करोगे तो आम प्लस आम इज इक्वल टू आम, तो वेक्टर प्लस वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर। लेकिन उसमें कौन सा वेक्टर, सेम टाइप वाला वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर में सिर्फ वेलोसिटी वेक्टर ही ऐड होगा, डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही ऐड होगा। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अंदर हम ऐड नहीं कर सकते हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी हम ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओनली सेम टाइप ऑफ वेक्टर्स कैन बी एडेड, ओनली सेम टाइप ऑफ वेक्टर्स कैन बी एडेड। तो ये सबसे बड़ा मेन रूल है कि जो दो वेक्टर्स या दो से ज्यादा वेक्टर्स भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो वेक्टर्स कैसे होने चाहिए, सेम टाइप के होना चाहिए। ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर प्लस वेलोसिटी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर में हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐड नहीं कर सकते, ये नहीं चलेगा। ऊपर वाला चलेगा, नीचे वाला नहीं चलेगा। ठीक है, तो इन वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, वेक्टर्स को ऐड करने में केसेस क्या क्या होती है, ठीक है, क्या क्या केसेस होने वाले हैं। तो सिंपल से हम शुरू करते हैं। मान लो कि दो वेक्टर्स है, वो दो वेक्टर्स पैरेलल है। ठीक है, केस वन लेते हैं, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल। तो चलिए यहां पे मैं दो वेक्टर्स ड्रॉ करता हूं। एक वेक्टर होगा 7 यूनिट का लेते हैं। देखो ज्योमेट्रिक मेथड से पढ़ेंगे इसको, आसान जाएगा। मान लो एक वेक्टर है ए बार नाम का, ठीक है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 7 यूनिट्स। ठीक है, और दूसरा वेक्टर है हम ऐसा लेंगे बी बार, जिसका मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट्स। अभी अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो वेक्टर जब हम ड्रॉ करते हैं ज्योमेट्रिक में, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन जब करते हैं, तो जो वेक्टर का लेंथ होता है वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, इसका लेंथ ज्यादा है तो इसका मैग्नीट्यूड भी मैंने बड़ा लिखा है, इसका लेंथ रिस्पेक्टिव छोटा है तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इसके रिस्पेक्ट में मैंने छोटा लिखा है। इसमें ऑब्जर्व करो कि दोनों वेक्टर्स पैरेलल है। पैरेलल से मतलब क्या, उन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। पैरेलल का मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन सेम है। तो ऐसी केस में क्या होगा, मान लो प्रैक्टिकली देखते हैं, एक ब्लॉक है उसमें एक आदमी 7 न्यूटन फोर्स लगा रहा है इस दिशा में, और उसमें दूसरा आदमी है वो 3 न्यूटन फोर्स लगा रहा है उसी दिशा में। तो ब्लॉक जल्दी मूव होगा। क्यों ब्लॉक जल्दी मूव होगा, क्योंकि इसका फोर्स और इसका फोर्स एक दूसरे में ऐड हो जाएगा। गाड़ी या ब्लॉक जो कुछ भी हमें ढकेलना है वो हम आराम से ढकेल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब दो वेक्टर्स दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हम लगाएंगे तो दोनों फोर्सेस की, दोनों वेक्टर्स की एडिशन हो जाएगी और रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, इन दोनों की वजह से एक जो वेक्टर निकालेंगे वो और बड़ा आएगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 10 यूनिट्स होगा। ठीक है, फोर्स नहीं है, एक नॉर्मल वेक्टर है,
10 यूनिट्स, जिसको हम बोलते हैं सी वाला। तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा और जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है वो भी वेक्टर ही है। उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, जो डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर्स की है वही डायरेक्शन ये रिजल्टेंट वेक्टर की होगी। ठीक है, दो वेक्टर्स को ऐड करने के बाद जो तीसरा मिलने वाला है उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी, जो इन दोनों की है वही होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं पहली केस आपको समझ में आ गया होगा। अभी है दूसरी केस जिसमें हम देखते हैं कि टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। अभी एंटी पैरेलल क्या होता है, एंटी का मीनिंग तो आपको मालूम होगा, एंटी का मीनिंग होता है अपोजिट। पैरेलल है लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, दो वेक्टर्स पैरेलल है लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो अभी वेक्टर में नया टर्म समझ लो, एंटी पैरेलल मतलब पैरेलल लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। तो इसका मतलब क्या होगा, यही लेते हैं, मान लो एक वेक्टर है ए बार नाम का जिसका मैग्नीट्यूड है 7 यूनिट्स। ठीक है, दूसरा वेक्टर है बी बार नाम का, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट्स। अभी यही ले लो, ये 7 न्यूटन का फोर्स है और इधर से कोई और अपोजिंग फोर्स लगा रहा है 3 न्यूटन का। तो हमें प्रैक्टिकली समझ में आ जाता है कि कोई यहां से 7 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, मैं यहां से 7 न्यूटन का फोर्स लगा के ब्लॉक को उधर पुश करने का ट्राई कर रहा हूं और कोई दूसरा आता है वो उधर से 3 न्यूटन का फोर्स इधर लगाता है। तो क्या होगा, मेरे 7 न्यूटन वाले फोर्स को उधर का 3 न्यूटन वाला फोर्स क्या करेगा, अपोज करेगा। ब्लॉक तो उधर मूव होगा लेकिन मेरा जो फोर्स है 7 न्यूटन उसमें से 3 न्यूटन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक 7 न्यूटन में इधर लगा रहा था, 3 न्यूटन इधर लगा, डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण। जब डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है तो वेक्टर्स अपने आप उनके मैग्नीट्यूड का सब्ट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, वेक्टर्स में सब्ट्रैक्शन नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। ठीक है, तो वेक्टर्स में सब्ट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। आगे जब आप रूल पढ़ोगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आएगा आपको 2-3 चैप्टर में, वहां पे आप सम जब लिखोगे ना तो वेक्टर सम लिखोगे, वेक्टर हमेशा सम होता है। सम में जो हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन वर्ड जो है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन वर्ड कभी यूज नहीं करेंगे हम, हमेशा लॉज में या प्रिंसिपल में हमेशा जो वर्ड यूज करेंगे वो होगा वेक्टर सम, क्योंकि वेक्टर्स में सिर्फ सम होता है, सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन अपने आप हो जाता है क्योंकि जब दो वेक्टर्स हम ऐड करते हैं डायरेक्शन उसमें बड़ा रोल प्ले करती है। जब डायरेक्शन अपोजिट होती है ना तो वेक्टर्स अपने आप सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है तो इसकी वजह से क्या होगा, 7 न्यूटन वाले फोर्स की डायरेक्शन उधर थी, 3 न्यूटन वाले फोर्स की डायरेक्शन इधर है, तो ब्लॉक किधर मूव होगा, उधर मूव होगा। ठीक है, क्योंकि इधर का फोर्स जाता है, तो रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, इधर मिलेगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 7 में से 3 कम हो जाएगा और 4 यूनिट मिलेगा। और ये जो रिजल्टेंट होगा वेक्टर, उसकी डायरेक्शन किसके डायरेक्शन की जैसी होगी, उसकी डायरेक्शन जो बड़ा वाला वेक्टर है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उस वेक्टर की डायरेक्शन इसको मिल जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों हमने दो केसेस देखी, पहली केस थी कि जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे और दूसरी केस देखी कि जब दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे। पैरेलल होंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा और दोनों का डायरेक्शन जो होता है सेम होता है, वही डायरेक्शन रिजल्टेंट को मिल जाएगा। लेकिन जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते हैं, मतलब एक वेक्टर का डायरेक्शन इधर दूसरा का एग्जैक्टली अपोजिट, जब दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट होती है तो उन दोनों वेक्टर्स में अपने आप सब्ट्रैक्शन हो जाता है और जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा उसका डायरेक्शन जो होगा वो बड़े वेक्टर की जैसा, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है उस वेक्टर का डायरेक्शन वो ले लेता है और मैग्नीट्यूड्स के बीच में सब्ट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये दो थी सिंपल केसेस, एक थी पैरेलल वाली और दूसरी थी एंटी पैरेलल। तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल भी नहीं है, एंटी पैरेलल भी नहीं है, दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के इंक्लाइंड है, तो ऐसे वेक्टर्स हम ऐड कर सकते हैं क्या, तो ऐसे वेक्टर्स हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए एक अलग रूल लगता है, उस रूल या उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, उस लॉ ऑफ ट्रायंगल्स को हम अभी पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम पढ़ते हैं ट्रायंगल लॉ क्या होता है। ठीक है, मान लो दो वेक्टर्स आपको दिए हैं, एक वेक्टर है इस तरह का ए बार और दूसरा वेक्टर है इस तरह का जिसका नाम है बी बार, और बोला कि ये दोनों वेक्टर्स जो है वो एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं क्या,
तो हमारा आंसर होगा कि यस, ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो ना पैरेलल है ना ही एंटी पैरेलल है, तो इनको हम ऐड कैसे करेंगे, इनका रिजल्टेंट वेक्टर हम कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा वेक्टर है ना उसको उठा के मैं क्या करता हूँ, उसको प्रोजेक्ट करता हूँ। ये वेक्टर का लेंथ मेजर कर लेता हूँ, डायरेक्शन देख लेता हूँ, ये डायरेक्शन है, इतनी लेंथ है। उसी टाइप का सिमिलर वेक्टर या फिर इसी वेक्टर को उठा के मैं यहाँ पे रखता हूँ, उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। हम वेक्टर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस वेक्टर को उठाता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे रखने पे ये वेक्टर ऐसा हो जाएगा। अब इस वेक्टर को मैं नाम दे देता हूँ बी बार। तो देखो मैंने क्या किया, दूसरे जगह पे जो वेक्टर था उसको ऐड करना था मुझे इसमें, तो मैंने क्या किया उस वेक्टर को उधर से उठाया और यहाँ पे लेके आया, ठीक है। तो ये देखो ये वेक्टर क्या हो रहा है, कैसा सिस्टम बन रहा है। ये पहला वेक्टर जहां पे खत्म हो रहा है वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, और इन दोनों वेक्टर्स की हमें क्या करनी है, एडिशन। तो इसके लिए कौन सा रूल लगेगा, इसके लिए रूल लगता है जिसका नाम है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस लॉ का स्टेटमेंट पहले समझ लो, फिर मैं आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन समझाऊंगा, ठीक है। स्टेटमेंट बहुत बड़ा है लेकिन अच्छा है। व्हेन टू वेक्टर्स, उनका टाइप क्या होना चाहिए, ऑफ सेम टाइप आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल ड्रॉन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू एंड पॉइंट ऑफ द सेकंड। इतना बड़ा उसका स्टेटमेंट है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का, लेकिन जितना बड़ा स्टेटमेंट आपको दिख रहा है उतना ही वो सिंपल है, ठीक है। देखो डायग्राम से समझेंगे, दो वेक्टर्स है जिसको हमें ऐड करना है। तो वेक्टर्स ऐड करने के लिए सबसे पहले इस कंडीशन क्या होती है कि दोनों वेक्टर्स क्या होने चाहिए, दोनों वेक्टर्स सेम टाइप के होने चाहिए। और दूसरा हम क्या करेंगे, उसको दोनों वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे किसमें, ये सब ज्योमेट्रिकल मेथड है। ये ट्राइंगल लॉ कौन से मेथड है, ज्योमेट्रिकल मेथड है। ज्योमेट्रिकल मेथड में हमें क्या करना पड़ता है, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। और वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी चीजें लगती है, दो लगती है। एक लगता है मैग्नीट्यूड मतलब उस वेक्टर का लेंथ, और दूसरा होता है डायरेक्शन, उस एरो हेड का डायरेक्शन, ठीक है। तो जिन दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना है उनको पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे। और इस लॉ में क्या बोला है कि उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो हम ट्राइंगल की दो साइड यूज करेंगे, हम ट्राइंगल की दो साइड यूज करेंगे। लेकिन उसमें सबसे बढ़िया फ्रेज या सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेज जो है वो है टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर ये वाली फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है। टेकन इन ऑर्डर वाली फ्रेज का मतलब है कि जहां से एक वेक्टर खत्म होगा ना वहां आपका दूसरा वेक्टर चालू होगा। एक वेक्टर खत्म होते ही दूसरा वेक्टर चालू होना चाहिए, लेकिन दूसरा वेक्टर पहला वेक्टर खत्म होने से पहले चालू नहीं करना है, ठीक है। फिर से मैं बताता हूं, जहां पे पहला वेक्टर एंड होगा वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होगा। दोनों वेक्टर्स एक साथ हम स्टार्ट नहीं कर सकते, किसमें, ट्रायंगल लॉन्ग। तो इसलिए बोलता है कि टेकन इन ऑर्डर मतलब क्या, एक के बाद दूसरा। तो दो वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। तो हमने उन दोनों को रिप्रेजेंट कर दिया। तो अभी हमको क्या निकालना है, उसका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट को भी क्या है, वेक्टर है। रिजल्टेंट को भी हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा किसमें, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसको हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू एंड पॉइंट ऑफ द सेकंड। एक वेक्टर को हम ड्रॉ करेंगे जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा पहले वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट से, और जो एंड होगा दूसरे वेक्टर के एंड पॉइंट पे। तो ये जो है सी बार, इसको हम बोलेंगे, और सी बार को लिखेंगे दोनों वेक्टर की एडिशन, ए बार प्लस बी बार। इस तरह से बोलता है आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। स्टेटमेंट को ठीक से समझ लो, व्हेन टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप, दोनों वेक्टर्स जो है वो क्या है, सेम टाइप के है।
आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इन दोनों को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना होगा। किसकी हेल्प से? बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। कैसे लिया? टेकन इन ऑर्डर, एक के खत्म होने के बाद दूसरा लेना, टेकन इन ऑर्डर। तब क्या होगा? देखो दोनों वेक्टर सेम टाइप के ले लिए, उनको रिप्रेजेंट भी कर दिया ट्राइंगल की दो साइड से। कैसे लेना है? टेकन इन ऑर्डर लेना है, वो भी बोल दिया। अभी किसकी बारी? रिजल्टेंट की बारी। देन देयर रिजल्टेंट, उसको भी रिप्रेजेंट करेंगे इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। किससे? बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। वो थर्ड साइड कैसे ड्रॉ करेंगे? बाय द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द एंड पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अपने मन से बनाओ, लेकिन सीधा और सिंपल लॉ बनाओ। तो उम्मीद करता हूं ये वाला लॉ आपको समझ में आ गया होगा। व्हेन टू वेक्टर्स आर ऑफ सेम टाइप एंड दे आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल ड्रॉन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द एंड पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर। तो यहाँ पे सी बार जो है वो हो गया ए बार प्लस बी बार। मान लो एक वेक्टर आपको ऐसा दिया है और दूसरा वेक्टर आपको ऐसा दिया है, इसको मैंने बोला ए बार, इसको मैंने बोला बी बार, इन दोनों को ऐड करो। तो सिंपल ऐड कर लोगे आप, पहले ए बार लिख लोगे, यहां से क्या करोगे आप बी बार इसी तरह से ड्रॉ करोगे। तो अभी ये पहला वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर हो गया। तो ये वाला लॉ क्या बोलता है? थर्ड साइड ड्रॉ करो ड्रॉन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द एंड पॉइंट ऑफ द सेकंड। ये पहला था, ये दूसरा था, इसके स्टार्टिंग पॉइंट से ड्रॉ करेंगे इसके एंड पॉइंट तक। इसको नाम दे दो सी बार, और सी बार हो जाएगा ए बार प्लस बी बार। आप कैसा भी आपको दो वेक्टर्स दो, दो वेक्टर्स को आप दो साइड्स में रिप्रेजेंट करो ट्राइंगल की, और थर्ड साइड जो ड्रॉ करोगे उसको ध्यान से ड्रॉ करना, पहले वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से ड्रॉ करना और कहां पे खत्म करना, दूसरे वेक्टर के एंड पॉइंट पे खत्म करना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ में आ गया होगा। अभी ये ट्राइंगल लॉ का यूज करके हम वेक्टर जो सम होता है वो कम्यूटेटिव कैसे होता है, एसोसिएटिव कैसे होता है, वो अभी हम प्रूव करने जाएंगे। तो ठीक है, चलिए वो प्रूव करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी जो हमने पढ़ा ट्राइंगल लॉ, उसका यूज करके हम बताएंगे कि वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। अभी कम्यूटेटिव का मतलब क्या है? अगर दो वेक्टर है, पहला है ए बार और दूसरा है बी बार, तो पहले ए बार लिया बाद में बी बार लिया, उन दोनों को ऐड कर दिया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले बी बार ले लो उसमें ए बार ऐड कर दो, दोनों बार आपका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो वेक्टर एडिशन ओबेस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसको हमें प्रूव करना है ट्राइंगल लॉ के यूज के, ट्राइंगल लॉ का यूज करके। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम। पहले एक वेक्टर में ले लेता हूं जिसका नाम है ए बार, दूसरा वेक्टर ले लेता हूं मैं जिसका नाम है बी बार। ठीक है, और इनका रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ होगा? कैसे ड्रॉ होगा? जिसका नाम है आर बार। ठीक है, उसके बाद में मैं क्या करता हूं, इस बी बार का पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं, ये हो जाएगा बी बार, और ए बार का पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं। ठीक है, अच्छे से ड्रॉ करना है, ये हो जाएगा ए बार। ठीक है, इसको नाम दिया मैंने ए बार। देखो मैं इसको ए बार क्यों बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने पैरेललोग्राम बनाया। मैं इधर नाम दे देता हूं पी क्यू आर एस, ये मैंने पैरेललोग्राम बना दिया। मेरे पास दो वेक्टर थे, एक था आपका ए बार, दूसरा था बी बार। ए बार पहला वेक्टर है, बी बार दूसरा वेक्टर मान लिया इस केस में। तो ठीक है, तो ए बार यहाँ पे खत्म, बी बार यहाँ से चालू, यहाँ पे खत्म। ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है? जो रिजल्टेंट रहेगा आपका वो पहले वेक्टर से स्टार्ट होगा और दूसरे वेक्टर पे एंड होगा। तो यहाँ पे देखो हम लिखते हैं कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? आर बार। ट्राइंगल लॉ ही बोलता है पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, इसको करेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी हम ऊपर के ट्राइंगल में जाते हैं, इन ट्राइंगल पी एस आर। ठीक है, तो देखो मैंने क्या करा, जो बी बार वेक्टर है उसी की डायरेक्शन जैसा और उसका जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही इस वेक्टर का एग्जैक्ट रेप्लिका मैंने यहां पे ड्रॉ करके रखा है। ये भी बी बार है तो ये भी बी बार होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, दोनों का लेंथ सेम है और दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, तो दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। तो ये भी बी बार है और ए भी बी बार है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल वेक्टर है। उसी तरह से मैं इसके लिए बता सकता हूँ, ए भी ए बार है और ए वाला भी ए बार है। लेकिन इस ऊपर वाले ट्राइंगल में देखो क्या होगा, यहां से यहां पे जाएंगे ये पहला वेक्टर होगा,
और यहाँ से पहला वेक्टर जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां से ये दूसरा स्टार्ट हो रहा है। तो ठीक है, तो मैं इसमें क्या लिखू, पहला वेक्टर बी बार प्लस दूसरा वेक्टर ए बार। इस केस के लिए भी मैं क्या करूंगा, ये पहले वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से और दूसरे वेक्टर के एंड पॉइंट तक मैं जो वेक्टर ड्रॉ करूंगा वो भी क्या करेगा मेरा रिजल्टेंट, और दोनों केस में मुझे रिजल्टेंट एक ही वेक्टर मिल रहा था, एक ही वेक्टर मिल रहा है, पहले भी यही मिल रहा था अभी भी यही मिल रहा है, तो अभी भी मैं क्या लिखूंगा इधर आ रहा है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की आर इज सेम है तो हम लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू बी बार प्लस ए बार। यही हमको क्या करना था, यही हमको प्रूव करना था। तो इस ट्राइंगल लॉ का यूज करके हम बता सकते हैं कि जो वेक्टर एडिशन है ना वो वेक्टर एडिशन क्या है, कम्यूटेटिव है। इसी तरह से हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे जिसका नाम है वेक्टर एडिशन जो है वो है एसोसिएटिव। तो चलिए उसको प्रूव करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम प्रूव करेंगे जिसका नाम है वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होंगी, तो देखो ऐसा होगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। देखने में ये पूरा सेम लगता है लेकिन इसमें जो ब्रैकेट है ना वो ब्रैकेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने पॉलिनोमियल पढ़ा है, पॉलिनोमियल में क्या होता है जो ब्रैकेट होता है उसको पहले सॉल्व करना होता है, तो वही रूल इसमें यूज करेंगे। यहाँ पे क्या इंप्लीमेंट किया है कि पहले ए बार और बी बार दोनों ऐड होंगे, ठीक है, और उन दोनों का जो रिजल्ट आएगा रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों का उसमें सी बार ऐड करेंगे तो उससे हमको कोई तीसरा चौथा वेक्टर हमें मिल जाएगा, ठीक है, और वो जो वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बिल्कुल इसी की तरह रहेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले ए और बी दोनों को ऐड कर लिया और उसके रिजल्ट में ये तीसरा ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले बी और सी ऐड करेंगे और उसके रिजल्ट में हम ए ऐड करेंगे। कैसा भी करो आंसर सेम आता है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको बोलेंगे एसोसिएटिव। तुम ऐसा करो जो आंसर आएगा उतना ही आंसर वैसा ही एग्जैक्ट आंसर आएगा जब आप ए वाला ऑपरेशन करोगे तब, मतलब पहले ए वाला ब्रैकेट सॉल्व करो या ए वाला ब्रैकेट सॉल्व करो, पहले वाली ए एडिशन सॉल्व करो या ए करो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, वेक्टर एडिशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हमें तीन वेक्टर लगेंगे, एक दो तीन, तो चलिए तीन वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। पहला वेक्टर ए ए बार, दूसरा वेक्टर है बी बार और तीसरा वेक्टर है सी बार, ठीक है। तो चलिए ये वेक्टर जो है यहां से स्टार्ट हो रहा है या एंड, यहां से स्टार्ट या एंड, यहां से स्टार्ट या एंड। तो अभी हम क्या करते हैं, ए आर एल एच एस की तरफ देखते हैं, पहले ए बार और बी बार ऐड कर लेते हैं, ठीक है, कैपिटल निकालना है ना तो यहाँ पे कैपिटल निकालते हैं, ए बार बी बार सी कैपिटल ये, चलो तो पहले ए बार प्लस बी बार कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये पहला वेक्टर है ये दूसरा वेक्टर है, इन दोनों का रिजल्टेंट मैं देखो कैसे निकालता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द एंड पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर। ये जो मैंने निकाला इसको मैं यहाँ पे नाम दे दू ए बार प्लस बी बार, ठीक है। अभी ये जो रिजल्ट आया उसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें अभी सी बार ऐड कर देता हूँ, तो ये टोटल जो है इसको पहला वेक्टर बोलूंगा और इसको दूसरा वेक्टर बोलूंगा। तो देखो ये यहां से पहला वेक्टर हो गया, यहाँ पे खत्म हुआ, देखो यहाँ से बराबर दूसरा वेक्टर चालू हो गया, ये जो है ये पूरा पहला वेक्टर है और प्लस सी बार ये दूसरा वेक्टर है, तो देखो ये क्या हो गया, टेकन इन ऑर्डर भी हो गया, पहला वेक्टर जहां पे खत्म वही से आपका दूसरा चालू। तो इसका इस पूरे का रिजल्टेंट मैं कैसे निकालूंगा, पहले वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करूंगा और दूसरे वेक्टर के एंड पॉइंट तक जाने दूंगा, और यहाँ पे मैं नाम लिख दूंगा आर बार इज इक्वल टू किस दो वेक्टर को ऐड किया, इसको और इसको, ये मिल गया हमें आंसर, इधर के साइड का पूरा का आंसर हमें मिल गया। अभी किसकी बारी, अभी इसकी बारी। अभी मैं क्या करता हूँ, बी बार और सी बार पहले एडिशन कर देता हूँ, बी बार और सी बार की एडिशन करेंगे तो पहला वेक्टर है बी बार, दूसरा वेक्टर है सी बार, ये बी बार ये सी बार, तो इस बी बार को पहला वेक्टर मानूंगा, पहला जहां पे खत्म वहां से दूसरा सी बार चालू, तो रिजल्टेंट कैसे बनेगा इस केस में, पहले वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से दूसरे वेक्टर के एंड पॉइंट तक, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी बार प्लस सी बार। अभी हम क्या करेंगे, इस बी बार प्लस सी बार में ए बार ऐड करेंगे, ठीक है, इस बी बार प्लस सी बार में ए बार को ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे ठीक से देखो ए बार पहला है तो मैं ए बार पहला लूंगा, ए बार और उसके बाद में ए वाला वेक्टर देखो बी बार प्लस सी बार, तो ए भी ट्राइंगल बना रहा है,
देखो ये पहला वेक्टर, और पहला वेक्टर जहां पे खत्म वहां से ये पूरा दूसरा वेक्टर शुरू, वहां से ये दूसरा वेक्टर शुरू। तो हम ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, मतलब इसके स्टार्टिंग पॉइंट से ए बार के, और एंड पॉइंट ऑफ द इस ब्रैकेट वाला वेक्टर। तो ये ब्रैकेट वाला वेक्टर जो है उसका एंड पॉइंट इधर है, पहले वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट इधर है। तो ड्रॉ करेंगे तो बराबर इस लाइन पे कोइंसाइड होके ही हमारा लास्ट वाला वेक्टर आएगा। तो इधर भी हम लिख देंगे आर बार इज इक्वल टू बी बार, सॉरी ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। तो दोनों केसेस में जो हमारा रिजल्टेंट आया वो एक ही आया। पहली केस में जो रिजल्टेंट आया उसको मैंने ऊपर लिखा है, दूसरी केस में जो रिजल्टेंट आया उसको मैंने नीचे लिखा है। दोनों बार रिजल्टेंट मुझे क्या मिल रहा है? एक ही वेक्टर मिल रहा है। तो इससे हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि आप ऐसा करो या ऐसा करो, आपको रिजल्टेंट एक ही मिलने वाला है, सेम ही मिलने वाला है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी आपको बता देती है कि क्या है, आपका जो वेक्टर एडिशन होता है वो होता है एसोसिएटिव। इसको लिखेंगे कैसे? तो इसमें भी आपको क्या करना है, ट्राइंगल्स को नाम दे देना है, और जस्ट आपने डायग्राम में भी दिखा दिया तो भी आपको क्या हो जाएगा, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने देखा कि वेक्टर एडिशन करने का मेन रूल क्या होता है, कि वेक्टर जो होंगे जिनको ऐड करना है वो सेम टाइप के होने चाहिए, उनको हम ऐड कैसे करते हैं, पैरेलल होंगे तो, एंटी पैरेलल होंगे तो, या फिर इंक्लाइन होंगे तो, ठीक है, उनको ऐड कैसे करना है। उसके बाद में ट्राइंगल लॉ क्या होता है, ट्राइंगल लॉ में वेक्टर ऐड कैसे करते हैं, ट्राइंगल लॉ यूज करके वेक्टर सम की हम कौन सी प्रॉपर्टीज प्रूव करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।